गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड टॉपिक इन फ्यूचर टेंस। सो आवर टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सो द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज कि जब वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा रहे, वैसे वाक्य को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। उदाहरण स्वरूप, राम कल पटना जा रहा होगा। वाक्य में क्रिया जाना है और इसके अंत में रहा होगा लगा है। तुम कल क्रिकेट खेल रहे होगे। वाक्य में क्रिया क्या है? खेलना, और इसके अंत में रहे होंगे लगा है। मैं कल शिमला में रहूँगा, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? रहना क्रिया है और इसके अंत में गा लगा हुआ है। इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। So the positive structure is subject plus will plus be plus V4 plus object. So as you have read that whenever we were talking about the continuous form structure, we have to use verb fourth form. जब कभी भी continuous word आएगा तो हमेशा हम लोग V4 का ही use करेंगे। राम विल बी गोइंग टू पटना टुमारो, यानी राम कल पटना जा रहा होगा। राम सब्जेक्ट है, विल बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोगों ने पुट किया है, और गोइंग V4 है, टू द पटना ऑब्जेक्ट है। बी रिप्रेजेंट करता है कि द वर्क जो है वो अभी जारी है, ठीक है। You will be playing cricket tomorrow. कल तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, और tomorrow you will be playing cricket. So tomorrow को या तो sentence के end में लगाएं या sentence के आगे लगाएं, दोनों हमारा sentence correct होता है। Tomorrow I will be in Shimla, कल मैं शिमला में रहूँगा। सो ये था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? सो स्ट्रक्चर्स यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी करना क्या है कि विल और बी के बीच में नॉट प्लेस कर देना है, ठीक है। राम विल नॉट बी गोइंग टू पटना टुमारो, राम कल पटना नहीं जा रहा होगा। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन नेक्स्ट सीरीज, तुम क्रिकेट के अगले सीरीज में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आई विल बी इन शिमला, अगले महीने मैं शिमला में रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि वेदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, यानी कि तीनों पर्सन्स के साथ मैंने विल का ही यूज़ किया है, राइट। आई विल, यू विल, राम विल, ठीक है। सो ऐसा इसलिए हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर
शैल का जो यूज़ है वो ओमिट हो चुका है, केवल हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल राम बी गोइंग टू पटना, क्या राम पटना जा रहा होगा? विल शी बी राइटिंग एन आर्टिकल, क्या वह एक आर्टिकल लिख रही होगी? विल दे बी कमिंग ऑन नेक्स्ट वीक, क्या वे लोग अगले सप्ताह आ रहे होंगे? सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ एज ए होम असाइनमेंट यू हैव टू राइट 10 सेंटेंसेस इन ईच फॉर्म, लाइक पॉजिटिव फॉर्म 10 सेंटेंसेस, नेगेटिव फॉर्म 10 सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव फॉर्म 10 सेंटेंसेस। सो दैट विल बी योर होम असाइनमेंट स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग एंड ऑफ कोर्स बी सेफ।